हेलो दोस्तों, दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में दिया है प्रूफ द फॉलोइंग। ओके दोस्तों, हमें इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ये साइड इस साइड के बराबर है। ओके तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से हमें दिया है 3 sin inverse x बराबर sin inverse 3x - 4x³। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है दोस्तों 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया है, आप अपनी बुक में देख लीजिए। 3 sin inverse x बराबर sin inverse 3x - 4x³। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें ये दिया है। ओके तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये साइड इस साइड के बराबर है, मतलब एल एच एस साइड बराबर है आर एच एस साइड के। ओके तो या तो दोस्तों आप ऐसा कीजिए कि इस वाली साइड को यहाँ पे ले लीजिए और आर एच एस यहाँ पे प्रूफ कीजिए, या फिर दोस्तों आप एल एच एस को ले लीजिए और यहाँ पे दोस्तों इसको प्रूफ कीजिए, मतलब किसी भी साइड को लेकर किसी को प्रूफ कर सकते हैं। ओके तो मैं यहाँ पे दोस्तों लूँगा इसको आर एच एस साइड को। ओके तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसमें मानेंगे, तो लिखेंगे माना या लेट, लिखेंगे लेट हम इसे मानेंगे दोस्तों एक्स बराबर साइन थीटा। ओके जब एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, अगर हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाले तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो थीटा इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स एक्स, क्या होगा दोस्तों साइन इनवर्स एक्स होगा। ओके अब हम दोस्तों क्या करेंगे इसमें, लिखेंगे आर एच एस साइड, तो लिखेंगे आर एच एस साइड। आर एच एस साइड दोस्तों हमारी कौन सी है, ये दोस्तों हमारी है आर एच एस साइड, और प्रूफ किसको करना है, एल एच एस साइड को। तो लिखते हैं आर एच एस साइड हमारी साइन इनवर्स, उसके बाद है 3x - 4x³। ओके दोस्तों हमारी आर एच एस साइड ये है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर भी एक्स है, जहाँ जहाँ पर भी एक्स है उसी के स्थान पर हम क्या रख देंगे, उसी के स्थान पर हम दोस्तों साइन थीटा रख देंगे। साइन थीटा दोस्तों क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने एक्स बराबर साइन थीटा माना है इसलिए। तो यहाँ पे दोस्तों साइन इनवर्स 3x, लेकिन एक्स के स्थान पर क्या रखना है दोस्तों साइन थीटा, फिर क्या -4x³, लेकिन एक्स के स्थान पर क्या रखना है साइन थीटा, लेकिन ये दोस्तों क्या है एक्स क्यूब है, तो क्या होगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। ओके इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब हम दोस्तों क्या करेंगे, एक हमारा दोस्तों फॉर्मूला होता है, तो उसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला होता है जैसे 3 sin θ - 4 sin³θ बराबर दोस्तों जो होता है वो होता है sin³θ होता है। ओके ये दोस्तों एक हमारा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इसको सोल्व करेंगे। ओके अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स, इसको यहाँ पे लिखिए, तो लिखिएगा साइन इनवर्स। अब देखिए दोस्तों 3 sin θ - 4 sin³θ बराबर दोस्तों क्या होता है, वो होता है sin³θ। तो आप इतने के स्थान पर sin³θ रख दीजिए। क्यों रख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों जो फॉर्मूला है हमारा ये sin³θ का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम sin³θ। ओके इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin लिख सकते हैं। ओके क्या लिख सकते हैं 1/sin, और आगे क्या है sin³θ। इसके बाद इस वाले साइन से ये वाला साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3θ। ओके अब देखिए 3 into θ, थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए हमने x बराबर साइन थीटा माना था, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाला था, तो क्या आता थीटा का वैल्यू निकल कर साइन इनवर्स x, तो थीटा के स्थान पर थीटा का वैल्यू रख दीजिए, तो क्या था साइन इनवर्स x। ओके 3 का गुणा इसके साथ कीजिए, तो 3 sin inverse x। ओके ये दोस्तों हमारी कौन सी साइड है, दोस्तों हमारी एल एच एस साइड है, तो लिखेगी ये हमारी एल एच एस साइड है, और किसके बराबर है आर एच एस साइड के। और हमें दोस्तों इसमें ये प्रूफ करना था कि प्रूफ कीजिए एल एच एस साइड बराबर है आर एच एस साइड की, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया 2 नंबर क्वेश्चन।
टू नंबर क्वेश्चन हमें दिया है थ्री कोश इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोश इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सॉल्व करते हैं। टू नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया है, आप अपनी बुक में देख लीजिए। सबसे पहले थ्री कोश इनवर्स एक्स इक्वल टू किसके हैं दोस्तों, कोश इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। ओके दोस्तों ये हमारा टू नंबर क्वेश्चन है। ओके तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मानेंगे तो लिखेंगे लेट। हम इसमें दोस्तों क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमने लिखा लेट। हम इसमें दोस्तों क्या मानेंगे, हम इसमें मानेंगे एक्स इज इक्वल टू क्या यहाँ पे कोस है, तो लिखेंगे कोस एक्स। तो लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, हम इसमें मानेंगे कोस थीटा। जब एक्स हमने एक्स बराबर हमने कोस थीटा माना, अगर हम दोस्तों यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाले तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा दोस्तों कोस इनवर्स एक्स। क्या होगा, कोश इनवर्स एक्स होगा। ओके अब हम क्या करेंगे दोस्तों, या तो आप यहाँ पे दोस्तों आर एच एस साइड ले लीजिए, या दोस्तों आप एल एच एस साइड ले लीजिए, जोन से भी साइड लोगे दोस्तों उसको हमें प्रूफ करना है उसके दूसरे साइड के बराबर। ओके तो चलिए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, इसको साइड लेते हैं। ये हमारी साइड कौन सी है, ये हमारी आर एच एस साइड है। ओके आर एच एस साइड, तो लिखते हैं आर एच एस साइड। ओके आर एच एस साइड हमारी कौन सी है, कोश इनवर्स, तो यहाँ पे लिखते हैं कोश इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये दोस्तों हमारी क्या है, हमारी आर एच एस साइड है। ओके इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर भी x है दोस्तों, जहाँ जहाँ पर भी x है उसी के स्थान पर हम क्या रख देंगे, उसी के स्थान पर हम cos थीटा रख देंगे। cos थीटा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने x बराबर cos थीटा माना है। तो यहाँ पर cos इनवर्स 4x, x के स्थान पर cos थीटा, cos यहाँ पे क्यूब आया था क्यूब थीटा माइनस थ्री एक्स, एक्स के स्थान पर कोश थीटा। ये दोस्तों हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद एक हमारा फॉर्मूला होता है, उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला होता है जैसे फोर कोश क्यूब थीटा माइनस थ्री कोश थीटा बराबर दोस्तों होता है, वो होता है कोश थ्री थीटा। ओके दोस्तों हमारा एक हमारा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कोश इनवर्स है, तो कोश इनवर्स यहाँ पे क्या है दोस्तों, फोर कोश क्यूब थीटा माइनस थ्री कोश थीटा, मतलब दोस्तों इतने के स्थान पर हम कोश थ्री थीटा रख देंगे। क्यों रख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो दोस्तों फॉर्मूला है वो हमारा कोश थ्री थीटा का फॉर्मूला है। तो लिखते हैं कोश थ्री थीटा। उसके बाद यहाँ पे कोश इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई कोस, और आगे क्या है, कोश थ्री थीटा। ओके अब इस वाले कोश से ये वाला कोश हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा थ्री थीटा। ओके यहाँ पे थ्री इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है हमारा, एक्स बराबर हमने कोश थीटा माना, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाला तो क्या निकलता है दोस्तों, कोश इनवर्स एक्स। तो थीटा के स्थान पर थीटा का वैल्यू रख दीजिए, क्या है, कोश इनवर्स एक्स। इसका इसके साथ गुना कीजिए तो थ्री कोश इनवर्स एक्स। ये दोस्तों हमारी कौन सी साइड है, थ्री कोश इनवर्स एक्स दोस्तों हमारी एल एच एस साइड है। तो ये हमारी एल एच एस साइड है, और किसके बराबर है, आर एच एस साइड के। ओके ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दोस्तों थ्री नंबर क्वेश्चन हमें दिया है टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू, दोस्तों हमें प्रूफ करना है टेन इनवर्स 1/2। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया दोस्तों थ्री नंबर क्वेश्चन हमें दोस्तों दिया है टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू, दोस्तों हमें प्रूफ करना है टेन इनवर्स 1/2। ओके दोस्तों हमें इसमें चीज़ प्रूफ करनी है। ओके तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है,
उसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला कहाँ पर मिलेगा, आपके इसी मैथ्स में, देखिए आपके दोस्तों इसी मैथ में पेज नंबर 44 पर, देखिए दोस्तों पेज नंबर 44 पर दोस्तों यहाँ पे लिखा है फाइव नंबर का फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है कि टेन इनवर्स एक्स, फिर क्या दोस्तों प्लस टेन इनवर्स वाई, फिर इज इक्वल टू क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, फिर वाई इसके नीचे है वन माइनस एक्स इंटू वाई। ओके तो ये दोस्तों जो है ये हमारा एक फॉर्मूला है। ओके तो इसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके तो पहले आप ऐसा कीजिए, इस वाले फॉर्मूले को अपनी मैथ्स में वो दोस्तों अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों पहले इसको अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, फिर वन माइनस एक्स इंटू वाई। ओके ये दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके तो देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो हमें इसमें ये बताना है कि दोस्तों इसमें एक्स का वैल्यू कौन सा होगा और इसमें वाई का वैल्यू कौन सा होगा। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, मतलब एक्स और वाई का यहाँ पे वैल्यू की जरूरत है। तो ये जो है दोस्तों टेन इनवर्स 2/11, इसको दोस्तों एफ एक्स मान लीजिए, हमने इसको दोस्तों आप एक्स माना, फिर क्या प्लस है, फिर टेन इनवर्स 7/24 है, इसको दोस्तों आप वाई मान लीजिए। ओके इसको हमने दोस्तों वाई मान लिया। तो देखिए अब क्या हुआ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ओके तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स बराबर लिखिए दोस्तों, बराबर क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स हमारा क्या है 2/11, फिर क्या प्लस वाई, वाई हमारा क्या है 7/24। ओके फिर वन माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स हमारा क्या है 2/11, फिर मल्टीप्लाई, फिर वाई, वाई हमारा क्या है दोस्तों 7/24। ओके हमने इसको सभी को वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया, और लिखने के बाद आप ऐसा कीजिए दोस्तों इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। ओके हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया। ओके अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों टेन इनवर्स और ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे दोस्तों क्या 2/11 प्लस 7/24, फिर क्या है वन माइनस, अब देखिए इसको टू से और 24 को काटिए तो 2 + 2 और यहाँ पे 24 कितनी बार काटेगा दोस्तों 12 बार। ओके तो 1 × 7 यहाँ पे दोस्तों ऊपर ही 7 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना दोस्तों 11 × 12। ओके इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 11 × 12 को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों आएगा 132, कितना आएगा दोस्तों 132 आएगा। ओके अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर भी एलसीएम लेना है और दोस्तों यहाँ पे भी नीचे एलसीएम लेना है, एलसीएम मतलब दोस्तों होता क्या है लेस है लेना है। तो टेन इनवर्स अब देखिए 2/11 प्लस 7/24 है, तो 11 और 24 का आप एलसीएम लीजिए, तो जैसे दोस्तों हम 11 और 24 का एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम आएगा 264, कितना आएगा दोस्तों 264 आएगा। ओके अब 264 अब देखिए 11 को 264 को मतलब डिवाइड कीजिए, 264 को डिवाइड कीजिए किससे 11 से, तो कितना आएगा दोस्तों इसको आएगा 24, कितनी बार कटेगा 24 बार। इसी तरीके से 264 को 24 से क्या करना है डिवाइड करना है, तो कितनी बार दोस्तों डिवाइड होएगा 11 बार दोस्तों डिवाइड होगा, क्या होगा 11 बार यहाँ पे डिवाइड होगा। ओके अब देखिए ये तो दोस्तों हो चुका, अब इसको 24 को 2 से गुना कीजिए तो 24 × 2 = 48, तो ऊपर आएगा 48 प्लस 11 × 7 = 77। ओके इतना तो हो चुका, ऊपर वाला तो हो चुका, अब नीचे का सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा इसका 132 आएगा, मतलब 132, तो 132 सिकम 132। ओके पहले 132 सिकम कितना होगा 132 होगा, फिर माइनस 7 है माइनस 7, और एलसीएम कितना था 132 था। ओके अब देखिए टेन इनवर्स
अब देखिए 48 प्लस 77 को ऐड कीजिए तो ऐड करने के बाद आएगा 125, 125। फिर देखिए नीचे कितना है, 264 है, 264। अब देखिए 132 माइनस 7 तो कितना बचेगा, 125 बचेगा। फिर नीचे कितना है, 132 है। ओके अब क्या करना है दोस्तों, आपस में इनका गुना करना है, मतलब अंदर अंदर का गुना कीजिए, अंदर अंदर का दोस्तों, और बाहर बाहर का गुना कीजिए। ओके तो टेन इनवर्स अंदर अंदर का कैसे, मतलब 125 इंटू 132 पहले बार बार कीजिए और फिर बटा 264 इंटू 125। ओके अब देखिए 125 से 125 यहाँ पे दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा टेन इनवर्स, बराबर लगाइए, देखिएगा टेन इनवर्स 132 और नीचे यहाँ पे कितना बचा, 264। ओके अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बराबर टेन इनवर्स, अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए 132 से कीजिए, 132 एकम 132, 132 दूनी 264। ओके तो कितना आया, 1/2 आया, 1/2 आया। तो ये दोस्तों हमें क्या करना था, 1/2 हमें प्रूफ करना था, देखिए टेन इनवर्स 1/2 हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये क्या है टेन इनवर्स 1/2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एल एच एस साइड बराबर है दोस्तों आर एच एस साइड के, ये हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया फोर नंबर क्वेश्चन हमें दिया है 2 tan inverse 1/2 प्लस 10 inverse 1/7 इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है दोस्तों 10 inverse 31/17। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया दोस्तों फोर नंबर क्वेश्चन हमें दिया है 2 tan inverse 1/2 प्लस 10 inverse 1/7 इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है दोस्तों 10 inverse 31/17। ओके दोस्तों हमें चीज़ में प्रूफ करनी है। ओके तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 tan inverse 1/2 प्लस 10 inverse 1/7। ओके अगर देखे दोस्तों इसको यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर हम इस वाले 2 को यहाँ से छुपा ले, मतलब जैसे 2 हमने इसको मान लीजिए दोस्तों छुपा लिया, ओके इसको मैंने छुपा लिया, तो छुपाने के बाद देखे दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, 10 inverse 1/2 प्लस 10 inverse 1/7 और बराबर दोस्तों हमें प्रूफ करना है, मतलब ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे बनता है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया था, ठीक वैसे ही ये सोल्व हो जाएगा। ओके लेकिन हमारे पास इसमें कुछ अलग चीज़ है, अलग चीज़ दोस्तों क्या है, इसमें यहाँ पे 2 दिया है, तो पहले आपको इस 2 को हटाकर इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको पहले ऐसा बनाना है। ओके तो ये कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला को यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए पेज नंबर 44 पर देखिए दोस्तों, 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 tan inverse x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है दोस्तों, उसके बाद कोश इनवर्स 1 - x² / 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है दोस्तों, उसके बाद देखिए थर्ड वाला 2 tan inverse x बराबर दोस्तों होता है 10 inverse 2x/1 - x². ओके दोस्तों मतलब हमारे पास दोस्तों 2 tan inverse के 3 फॉर्मूले हैं। अब देखिए दोस्तों बात यह आती है कि कौन सा वाला फॉर्मूला हम वहाँ पे लगाने वाले हैं। ओके तो पहले ये देखिए सिचुएशन कैसी है, वहाँ पे हमें उसको क्या हमें चेंज करना है, 10 में चेंज करना है। 10 में क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे दोस्तों एक 10 में चेंज होगा ये वाला 2 tan inverse 1/2, जैसे 10 में चेंज होगा तो यहाँ पर भी 10 inverse 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 10 inverse 1/7 है। तो ऐसे होने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया था, ठीक वैसे ही इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके तो हम इसलिए इसको पहले 10 में चेंज करेंगे, 2 tan को, तो 2 को हमें हटाना है। तो देखिए 2 tan inverse x इज इक्वल टू क्या होता है, 10 inverse 2x/1 - x². तो इसको लिखते हैं हम कि फॉर्मूला हमारा 2 tan inverse x इज इक्वल टू क्या होता है, 10 inverse 2x/1 - x². ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 tan inverse 1/2 है, ये 1/2 दोस्तों ये हमारा x हुआ और ये हमारा दोस्तों y हुआ। ओके अब देखिए 2 tan inverse x बराबर क्या होता है, 10 inverse, मतलब यहाँ पे देखिए 2 tan inverse x बराबर क्या होता है, 10 inverse लिखते क्या होता है, 10 inverse क्या होता है 2
इन टू एक्स, एक्स हमारा क्या 1/2 है, 1/2, फिर क्या होता है दोस्तों बाई 1 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों इतना कर लिया, इतना करने के बाद इसको सोल्व कीजिए। ओके ओके दोस्तों देखिए इस वाले को पूरे को सोल्व करने के बाद क्या हो रहा है, ये चल रहा है आगे, क्योंकि 2 tan inverse x ये वाला फॉर्मूला बन रहा है और इसके बराबर क्या होता है, ये होता है। तो देखिए tan inverse पहले इसको ब्रैकेट दीजिए, tan inverse ऊपर 2 into 2 होने से यहाँ पे 2, फिर देखिए यहाँ पर 1 माइनस, अब देखिए 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 ही रहेगा और 2 2 4। ओके अब tan inverse ऊपर 2/2, यहाँ पे एलसीएम लीजिए 4 एकम 4, ओके 4 माइनस कितना है 1 है, और एलसीएम कितना था दोस्तों यहाँ पे 4 था। ओके फिर यहाँ पे tan inverse ऊपर 2/2, यहाँ पर कितना बचा दोस्तों 3/4, 3/4। ओके अब क्या करना है दोस्तों, अंदर अंदर होना करना है और बाहर बाहर कर देना है। तो tan inverse सबसे पहले 2 into 4 कीजिए, 2 into 4 और फिर 2 into 3, 2 into 3 कीजिए। अब इस 2 से वाला 2 यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर बचेगा tan inverse 4/3। ओके दोस्तों तो इस वाले पूरे को सोल्व करने के बाद दोस्तों, इस वाले पूरे को सोल्व करने के बाद आपका क्या आया वैल्यू, tan inverse 4/3 आया। ओके तो अब हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा, इसको पूरे कर पूरे को सोल्व किया हमने, क्या बना tan inverse 4/3, तो हमारा क्वेश्चन बनेगा tan inverse 4/3, फिर क्या होगा दोस्तों प्लस tan inverse 1/7 प्लस tan inverse 1/7, हमें प्रूफ क्या करना है tan inverse 31/17 बराबर, हमें प्रूफ करना है tan inverse 31/17, ये दोस्तों हमें इसमें चीज़ प्रूफ करनी है। ओके अब यहाँ पर दोस्तों आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि tan inverse x प्लस tan inverse y बराबर दो भी होता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला में कि हमारा फॉर्मूला होता है कि tan inverse x प्लस tan inverse y बराबर दोस्तों होता है tan inverse x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। तो इसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके दोस्तों अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये वाला हमारा x का वैल्यू होगा और ये दोस्तों हमारा y का वैल्यू होगा। ओके तो क्या फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर दोस्तों होता है tan इनवर्स, तो लिखते हैं बराबर tan इनवर्स क्या होगा दोस्तों x प्लस y, x हमारा क्या है 4/3। ओके क्या है 4/3, फिर क्या प्लस, फिर y, y हमारा 1/7, 1 माइनस एक्स हमारा क्या है दोस्तों 4/3 इंटू वाई हमारा 1/7। ओके अब देखिए दोस्तों टेन इनवर्स, अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, पहले आप इसको लिखिए 4/3 प्लस 1/7। ओके यहाँ पर 1 माइनस, अब देखिए 4 एकम 4, 3 7 21। ओके यहाँ पे tan इनवर्स, अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है एलसीएम लेना है। ओके 3 और 7 का दोस्तों क्या करना है एलसीएम लेना है, तो 3 और 7 का एलसीएम आएगा 21। ओके और यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर 3। ओके अब इसका गुणा कीजिए, 7 चौक 28 प्लस 3, इसी तरीके से यहाँ पर देखें 21 माइनस कितना है 4 है, और एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 21 आएगा। ओके अब आगे देखिए टेन इनवर्स, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको ऐड कीजिए, 28 प्लस 3 कितना हुआ 31 हुआ, और यहाँ पर नीचे 21 है, यहाँ पे 21 माइनस 4 कितना हुआ 17, और यहाँ पर नीचे 21 है। ओके अब क्या करना है, अंदर अंदर गुना करना है और बाहर बाहर करना है, तो टेन इनवर्स ऊपर 31 into 21 और नीचे 21 into 17। ओके इस वाले 21 से ये वाला 21 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा tan inverse 31/17।
ओके दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि देखिए आप फोर नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या प्रूव करना था, टेन इनवर्स 31/17, और ये क्या है दोस्तों, टेन इनवर्स 31/17, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एल एच एस साइड बराबर है दोस्तों आर एच एस साइड, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पार्ट टू देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पार्ट टू देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।